आज महोबा जिले के ग्राम धवर्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकारी सचिव राकेश मिश्रा के पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्र की चतुर्थ पुण्यतिथि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को जैतपुर में स्टेशन रोड पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण कर कृषि वैज्ञानिकों को किसानों के हित में कार्य करने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर जैतपुर कृषि विज्ञान केंद्र पर दोपहर करीब 1:30 बजे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुँचे। कृषि फार्म के प्रशिक्षण का भ्रमण कर उन्होंने जैविक खेती, सीड प्लानिंग, कंपोस्ट आदि का अवलोकन किए। इसके बाद कुलपति बांदा विश्वविद्यालय डॉक्टर यूएस गौतम के साथ कृषि वैज्ञानिकों व संघ बैठक कर कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए किसानों के हितों में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। कृषि मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि केंद्र परिसर को ऐसा बनाएं जिससे यहाँ आने वाले किसानों को अच्छी जानकारी मिले। कृषि वैज्ञानिक किसानों के हित में काम करें, किसानों को खुशहाल बनाना ही कृषि विज्ञान केंद्र व सरकार का उद्देश्य है। कृषि विज्ञान केंद्रों की खेती बाड़ी के दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे बुंदेलखंड के सभी जनपदों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में वो सारा काम चल रहा है। इस महोबा में कृषि विज्ञान केंद्र पर पिछले साल 60 लाख रुपए से हम लोगों ने सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, जिससे कि यहाँ जो किसान उत्पादित करेगा इनको 1 करोड़ रुपया तो हमने रिवॉल्विंग फंड में दे रखा है भारत सरकार की मदद से, जिसके माध्यम से किसान को एडवांस बीज भी देंगे और बाद में उससे खरीदारी भी कर लेंगे और कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से पैकेजिंग करके और जगहों पर भी वो बेच सकेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का ये विचार है कि किसान जो है वो किसानी से उद्यमी की ओर भी चले, व्यवसायी भी बने, उसका एक मॉडल यहाँ पर खड़ा हम लोगों ने कर रखा है। मुझे खुशी है कि इस कृषि विज्ञान केंद्र ने इस साल लगभग 550 क्विंटल जो है वो दलहन का सीड पैदा करके प्रोसेस किया और किसानों को भी बेच रहा है। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएँ मोदी जी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत की योजना के अंतर्गत चली हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये का जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिया गया है, जिसके माध्यम से सीड प्रोसेसिंग प्लांट, वेयर हाउस, शीत गृह, राइपनिंग चेम्बर और कोल्ड चेन, कोल्ड वैन, विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग के उद्यम उसके द्वारा लगाए जा सकेंगे। और इसके लिए 10,000 FPO बनाए जाने का एक लक्ष्य रखा है। हमने कृषि विज्ञान केंद्रों को कहा है कि वो किसानों के वो जोड़ करके और इस तरीके के कृषि उत्पादक संगठन या कंपनियां बना करके और क्लस्टर बेसिस पर वो खेती को आगे बढ़ाएं, जिसके माध्यम से वहां पर निवेश आ सके और खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां लगें, तभी जा करके बुंदेलखंड की तस्वीर को बदला जा सकेगा। यहां के भूमि पर प्रयोग किए जाने के लिए संतरे और मौसमी और अंजीर आदि, अनार आदि के जो है, और बांस के लिए भी मैंने कहा है कि बांस की भी खेती को देखिए, यहाँ पर यदि वो होता है तो यहाँ आने वाले दिनों में यदि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उस प्रयोग में तो बुंदेलखंड की जो बेसिक तस्वीर है वो तस्वीर बदली जा सकेगी और यहाँ के किसान की आमदनी भी बढ़ाई जा सकेगी। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद महोबा जनपद के 46,467 किसानों के 1 लाख रुपये तक के 263 करोड़ 15 लाख रुपये की माफ़ी हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। पिछले साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर 23,000 से ज़्यादा किसानों को 88.5 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति भी दी गई है। राज्य के भीतर कृषि यंत्रों के लिए 80% अनुदान पर, जो क्रॉप रेजिड्यू के जो हमारे 11 कृषि यंत्र हैं उस पर हम 80% अनुदान दे रहे हैं। फार्म मशीनरी के भीतर प्रदेश में 2.15 करोड़ किसान भाइयों को हम उनके खातों में हर 4 महीने पर 2,000 रुपये भेजने में सक्षम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी की इस फ्लेक्सी स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से, कारगर तरीके से अपने प्रदेश में लागू किया है। धन्यवाद सर।